हेलो जी, वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। बहुत दिनों का व्लॉग बना नहीं है तो मैंने बोला आज बना लो। आज बनाएंगे मगर व्लॉग ऐसा बनाएंगे कि आज बिरयानी बनाएंगे, व्लॉग नहीं बनाएंगे, आज बिरयानी बनाएंगे। तो आज बिरयानी बना रहे हैं हम खुद देख के अंदर, और अम्मी की थोड़ी सी हेल्प लेंगे और खुद ही बनाते हैं। अभी चलते हैं बिरयानी का थोड़ा बहुत सामान वामान ले लें, तो सामान वामान लेते हैं फिर आप लोग को देख। तो भाई बाहर शायद निकल गया, थोड़ा सा दही वही लेना। अच्छा ना, टमाटर लेना है लेते हैं और चलते हैं। भाई मौसम चेक, बड़ा ही कुछ सेक्सी सा मौसम हो रहा है। ले लिया टमाटर, ले लिया दही, ले लिया देग भी हमारी बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। ये देग हमारी अपनी जाति देग है ये। तो भाई वीडियो में बने रहना, कहीं जाना नहीं, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भी प्रोसेस होगा सारा का सारा प्रोसेस मैं खुद दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ। इसलिए अम्मी की जितनी हेल्प लेनी है उतनी लेंगे, बाकी खुद कोशिश करेंगे जितना बना सकते हैं उतना बना रहे हैं। 5 किलो बना रहे हैं कीमे की बिरयानी ते वाली। काम अपनी जगह पर, खाना अपनी जगह पर, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। ये चने की दाल है और पराठे अपने आ गए। हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बिरयानी की तैयारी करेंगे। तो हाँ जी, अब इसकी तैयारी हो गई है, पानी उबल रहा है। और क्या क्या चीज़ें ली भाभी इसमें? इसमें हाँ, और तेज़पत्ता, बादियान की फूल, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी, इसे चावल बॉयल होने के लिए ना, शाजीरा, हाँ वो मिकदार कितनी जल्दी ये नहीं पता भाई, हम अपने अंदाजे से काम कर रहे हैं सारा। और ये छोटी इलायची आ गई, देख ये रखी हुई, जब इसका प्रोसेस हो जाएगा तो फिर इसके अंदर दबेड़ देंगे। पता है ना, देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, हम खुद कर रहे हैं, ये किसी के उस पर नहीं है, हम खुद सब मिलजुल के कर रहे हैं। मतलब ना, तो 50% हमारी, 50% सबकी मेहनत है। अभी आगे प्रोसेस होता तो फिर मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें तेल भी ऐड कर दिया ना। ये हमारे शेफ है, ये हमने इनको जर्मन से बुलवाया। हाँ शेफ साहब, क्या कर रहे हैं आप? हैं? अच्छा, इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर और आलू बुखारा, नींबू, और इसमें तो मसाले ऐड करने तो मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर कर रहा हूँ दही, तुमसे ना हो पाएगा। आधा किलो डाल इसमें पूरा। तो सही है ना? चार पाँच से छः। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और इसकी मकदार कितनी नहीं पता, अंदाजा चल रहा है। एक प्याली है बड़ी। और ये मिक्स गरम मसाला है पिसा हुआ, 2 चम्मच भर के। ये वाले डाल दो भाई, अभी लेके आती हूं। ये गरम मसाला, इसमें अदरक लहसुन नहीं है। अदरक लहसुन अलग से डालना, क्योंकि इसकी तो हल्की हल्की स्मेल होती है ना, खत्म हो जाती है। बस इतनी बहुत हल्दी। हाँ बहुत ही बाबा, इसमें धनिया पुदीना, हरी वाली मिर्ची आग लगाने वाली। सामान बनाया था सारे मसाले वसाले, इसके अंदर इसको इसमें मिक्स वो कर लूँ, ये सब मिक्स करके ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करके और कीमा गलने के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, उसको
छोड़ देंगे गलने के लिए। जब तक ये अपना पानी छोड़ेगा वो खुद ही गलाट आ जाएगी उसके अंदर। एक बन रहा हूँ क्या? अच्छी तरह से हो गए। हाँ, बस इसको गलने के लिए छोड़ चलो। अब कीमा गलने के बाद मिलेंगे तब तक मुँह भी धोलेंगे ना। तो हाँ जी, तकरीबन आधा पूरा तो काम हो ही गया उसके अंदर, और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बनाए, क्योंकि ये न्याज की है तो न्याज की अल्लाह पाक तो ऐसी बरकत ताली देता है माशाल्लाह से। और जल्दी जल्दी से इसको बनाते हैं। मिर्ची लग गई थी यहाँ पर, तो अभी जाके धोया हुआ है ना, वो लाल भी हो गया भाई लम्बी। ठीक है, अब इसको जल्दी से तैयार करते हैं घर का। अच्छा, जो ये जो नीचे तेल लगेगी मसाले की, वो हमारा तैयार हो गया। ये बस में थोड़ी सी रह गई कसर, चला लेते अभी है ना इसमें। अच्छा, दो घंटे पहले हमने चावल भिगोए थे, और ये है सेला चावल ना, देखना दो घंटे हो गए इसको भिगे हुए। बासमती सेला चावल है ये 11-21। ये है फारूक भाई हमारे, मिस्टर शेख, वो शेख का मुआयना हो रहा है अभी। अच्छा, इसका तो कीमा है ना वो लगा रहे हैं साइडों में, ताकि बीच में चावल धुल जाए, है ना ऐसे कुछ है। अब इसमें ये लग रही है साइडों में आना होगा। भाई सारा डेकोरेट हो गया साइडों के अंदर, जो पेस्ट बनाया था वो हो गया। ये हरी ये प्याज दल्ली भुनी हुई, थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, अब क्या करेंगे। ये चावल का पूरा लेयर लगा दिया एक ना। भैया आलू आ गए, आलू तो लाजमी बिरयानी में जान होती है बिरयानी में आलू। अब किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, हमें तो पसंद है भाई। ये आलू शरीफ दल गए इसके अंदर, और ये चल रहा है फाइनल फाइनल मरला फारूक शेख और पकवान वाले। अब ये तकरीबन हो गई तैयार, अब लेंगे इसके अंदर दम। ये माशाल्लाह से दिखाना जरा भाई, ये छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, इनके लिए बनाए गए थे, कितने मिस्कीन है। फाइनली बिरयानी बिरयानी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन लाजमी दबाना, क्योंकि भाई अपने ही भाई। फाइनली सब कुछ बन गया है, और इसी के साथ भाई को दे इजाज़त, खाना ना खा लें, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।